नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष अनुज के साथ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूके हिल राइडर्स में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको ले चलेंगे लाखा मंडल। वहाँ काफ़ी ऐतिहासिक जगह है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना वीडियो को। और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर देना। ओके, समय क्या हो रहा? टाइम हो रहा 10:15 हो रहा, 15 मिनट। ठीक है दोस्तों, हम चल दिए यहाँ से। लाखा मंडल जा रहे हैं आज, जो कि यहाँ से अप्रॉक्स है किलोमीटर 110। तो हमारी राइड शुरू हो चुकी है। अभी हम पहुंचे हैं सहजदारा रोड पे। यहाँ से रूट प्लान है पहले मसूरी, फिर यमुनापुर, बाग धामटा, तब वहाँ से लाखा मंडल। अप्रॉक्स 4 घंटे लग जाएंगे हमें यहाँ से जाने। पेट्रोल भरा लेते हैं जरा। तो अभी पहुँचे हम राजपुर और यहाँ से लेफ्ट के लिए मसूरी के लिए जाता है, बट हम वहाँ से नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं दूसरे रास्ते पे। तो हम पहुँच चुके हैं शिखर फॉल वाले रास्ते पे। यहाँ से ऊपर शिखर फॉल जाता है, नीचे मसूरी मिल जाएगी पार्लगंज होते हुए। तो हम रास्ते पे जाएंगे मसूरी। टांग दिया, इधर से जाने पड़ेंगे। या यहीं से चढ़ा दूँ? ठीक लग गया पत्थर? ठीक है, वो जगह, ये रास्ता खराब हो रखा है काफी। जैसे कि पहला ये आ गया, उतर जा, नहीं चढ़ेगी। एक तो ये हो गया, एक आगे दूसरा है, और ये कुछ ज्यादा डेंजरस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से नीचे गए तो सीधे खाई में जाओगे। और ये दूसरा चढ़ जाएगी आगे, वो उसमें उजड़े निकले हैं। हाँ, उजड़े निकले। दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं आप देहरादून, कितना मस्त दिखता है बिल्कुल पूरा देहरादून। और मसूरी ये दिख गया सामने यहाँ पे। 40 मिनट लगे हमें यहाँ से, आप यहाँ से थोड़ा लग जाएगा ऊपर 15-20 मिनट, एक घंटा ही लगभग नीचे जाते हुए कम लगता है यहाँ से। ये जाता है नीचे कोलू गेट के लिए और ये ऊपर मसूरी। और इस रास्ते से हम अभी आए हैं, तो हम पहुंच चुके हैं मसूरी। मसूरी में ट्रैफिक एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और हम पहुंच चुके हैं लाइब्रेरी चौक। ये माल रोड की रोड जा रही है अंदर, ये जॉर्ज एवरेस्ट, और राइट वाली लेंगे हम कैम्प्टी फॉल वाली। तो कैम्प्टी फॉल लेके जाएंगे हम आपको अभी। ये लाइब्रेरी है, पाला बहुत पड़ा हुआ रोड पे, ज्यादा ठंडा है। हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके कैम्प्टी फॉल। फॉल वो है सामने।
सही है, यहाँ पे हम टीक देख ले लेते हैं एक। खत्म, चलते हैं आगे। हम अभी पहुंचे हैं यमुना पुल, सामने रोड जाती है यमुनोत्री, नीचे वाली विकास नगर कालसी वगैरह। लंच हो गया अभी, कुछ और तो नहीं छोटा वहाँ छोटा तो नहीं कुछ, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। यहाँ से थोड़ा सा शायद आधा घंटे का रास्ता होगा यहाँ से अभी। टाइम है 1:40 हो गया यहीं पे, चलते हैं यहाँ से। दामदा से लाखामंडल पड़ता है 23 किलोमीटर, अभी रास्ते में देखा हमें लगा आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, पर ये हमें 1 घंटा लगेगा शायद अभी, और 2:30 बजे पहुंचेंगे। यहाँ से फिर एक रोड ऊपर जाएगी, वो जा रही है यमुनोत्री के लिए, और जो नीचे जा रही है वेलकम टू लाखामंडल। 5 किलोमीटर है यहाँ से लाखामंडल, और वो सामने दिख रहा है पहाड़ पे।
पहाड़ों में ऐसे ले जाते हैं घास फीट पे। ये है प्राचीन पांडव गुफा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लाखामंडल और ये हम फिलहाल रोड पर हैं। ये प्राचीन पांडव गुफा में आ पाते हैं जहाँ से पांडव बाहर निकले थे, पर इस गुफा का कोई अंत नहीं है कि ये गुफा कहाँ खुलती है। हाँ। पर अभी हम कुछ बाबा जी से भी मिलते हैं, उनसे कुछ पूछ लेते हैं। चलो फिर आइए आपको अंदर ले चलते हैं। महादेव बाबा जी इतनी बड़ी गुफा ये कहाँ खुलती है? ये जो गुफा है ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी में लाखामंडल। अच्छा अच्छा अच्छा। लाखामंडल में जब लक्षागर के समय जो आग लगी थी तब जुजिष्ठिर लिंग के पास एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है जी। ये गुफा का रास्ता है यमुना तट के में निकालने के लिए। अच्छा अच्छा। ये गुफा से निकलते है और इसके अंदर एक शिवलिंग है जिसमें पानी टपकता है। हाँ, जलाभिषेक खुद अपने आप ही होता है। तो दोस्तों बाबू जी हमें बताएंगे कि यहाँ पे जो शिवलिंग है उसका जलाभिषेक कैसे हो रहा है? देखो सामने, ये देख लीजिए दोस्तों, ये सामने शिवलिंग है और शिवलिंग पे खुद अपने आप ही जल का अभिषेक हो रहा है। और ये गुफा कितनी दूरी पे है इसका अनुमान तो है नहीं, बाबा जी बता रहे हैं कि गुफा कहाँ खुलती है? बाबू जी ये कहा जाता है कि यहाँ से गुफा लाखामंडल तक का जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ से लाखामंडल 5 गुफा है। अच्छा, और ये 3 देखिए। हाँ ये, हाँ इधर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर भी गुफा है और ये नीचे वाला एक नीचे वाली गुफा है यहाँ पे, और एक ही, और एक ही गुफा है। 5 गुफाएं हैं। 5 गुफाएं हैं जो बाबा जी बता रहे हैं हमें। धन्यवाद बाबा जी, चलिए। ठीक है बाबा जी, आते समय मिलते हैं आपको। हाँ हाँ बिल्कुल। अंदर। तो दोस्तों ये है वो गुफा जहाँ से पांडव बाहर निकले थे और ये लाखामंडल से होती हुई यहाँ तक आती है और ये यमुना तट के किनारे पे निकलती है गुफा। यहाँ पे शिवलिंग है और अभी हम यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे लाखामंडल, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से ये मुख्य द्वार है यहाँ मंदिर जाने का, तो चलते हैं फिर। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लाखामंडल, थोड़ा डांस हो जाए पहले। इस शिवलिंग पर जलाभिषेक करने पर अपना प्रतिबिंब दिखता है और अपनी मनोकामना पूरी होती है, ये ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। चलो दोस्तों अब यहाँ का पूरा इतिहास यहाँ के पंडित जी से जानते हैं। चलो अंदर, आपको अंदर ले चलते हैं। वैसे ये देवताओं का मंडल है लाखामंडल। लाखामंडल का मतलब है यहाँ पे पांडवों ने 16 लाख लिंगों की स्थापना की। उनको गुरु हत्या और ब्रह्म हत्या का जब दोष लग गया तो वो हिमालय की ओर आ गए, तो इस स्थान में वो सर्वप्रथम आए और उन्होंने यहाँ पे कई शिवलिंगों की स्थापना की, जो आज कुछ तो दबे हुए हैं, कुछ निकले हुए हैं, कुछ अभी भी जो खुदाई से वंचित है। अगर यहाँ खुदाई हो तो हर जगह कई मंदिर दबे हुए हैं। और इस क्षेत्र का जो है विशेष महत्व यह है कि यहाँ पर पहले ये जनजाति क्षेत्र था, यहाँ पे कोई लोग इधर नहीं आते थे, पोल लगा हुआ नहीं था, इस जगह को कोई जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। तो यहाँ पे जब पांडव लोग यहाँ जब इस क्षेत्र में आए, इस क्षेत्र का उन्होंने विस्तृत वर्णन जो है पहले ही जब अज्ञातवास के टाइम में घूम के गए थे, उसके बाद आए हो सबसे पहले यहीं पर उन्होंने यहाँ से शुरुआत की थी। उन्होंने जो मूर्तियाँ हैं लाखों शिवलिंग की जो स्थापना की थी पांडव ने, देखो ये दिखाता हूँ प्रकार के यहाँ पर शिवलिंग दिखेंगे। लाखामंडल का जो मूर्तियों का जो संग्रहालय है और यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियाँ हैं।
जिनकी मैं बात कर रहा था, एक ये वाले हैं और एक ये वाले। दोस्तों जो एक द्वारपाल का आप देख रहे होंगे, इनके जो एक हाथ है वो दिख नहीं रहा। तो दोस्तों यहाँ से जरा आप देखिए, दोस्तों कहा जाता है यहाँ पर जो अगर स्त्री कोई आती है, जो सामने जो गेट दिख रहा है आपको शिवालय का, और जब महाशिवरात्रि होती है अगर वहाँ से वो इस मंदिर के दिए को अगर निहारे, एक टक निहारे और भगवान शिव का जाप करे तो उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, ये यहाँ के लोगों का कहना है। तो दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ का लखमंडल काफ़ी अच्छा सीन है। दोस्तों ये वही शिवलिंग है जिसकी स्थापना युधिष्ठिर ने की थी, और कहा जाता है जो लाक्षाग्रह है वो यहीं पर बना था, और जो यहाँ से एक गुफा निकलती है। इस मंदिर का जो निर्माण था वो पांडवों ने कराया था। जो ये मंदिर आप देख रहे थे, कभी आप यहाँ लाखमंडल घूमने आओगे तो इसके अंदर जो तमाम प्रकार की मूर्तियाँ हैं, पूरे शिव परिवार की मूर्तियाँ हैं, और यदि आप इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर माँ जो भगवती है उनके बचपन की जो चरण पादुका के जो निशान है वो इस मंदिर के अंदर है। पैंसठ मंदिर है, 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पे निवास करते हैं। 5 भाई पांडव है, और यहाँ से लक्षाग्रह भी था जो जल के राख हो गई थी। दुर्योधन ने पांडव जलाने के लिए आग लगाई थी लेकिन सफल नहीं हो पाया था। दोस्तों ये है लाखामंडल और सामने बह रही है यमुना नदी। दोस्तों ये हिल राइडर जा रहे हैं यहाँ से घर, तो हिल राइडर निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। Love is